घाटमपुर सीएससी में टीकाकरण की शुरुआत हुई है। सीएससी अधीक्षक कैलाश चंद्रा को लगाया गया है पहला टीका। कानपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर तहसील के तीनों ब्लॉकों में किया जा रहा है टीकाकरण। बड़ी खबर जहां पर दूसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत भी हो चुकी है। लगातार हम इसी पर बने हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआत हो रही है। इस बार का जो टीकाकरण है यानी कि दूसरा टीकाकरण जो है इसमें जो प्रतिशत है उसको पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। पहला जो टीकाकरण हुआ था उसमें देर से शुरुआत हुई थी, इस वजह से लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर मौजूद है और पूरी तैयारियां कर ली गई है। और घाटमपुर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर टीकाकरण की शुरुआत भी हो चुकी है। सीएससी अधीक्षक कैलाश चंद्रा को पहला टीका लगाया गया है। तहसील के तीनों ब्लॉकों में टीकाकरण किया जा रहा है। के न्यूज इंडिया पर पल पल के अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। जिस तरीके से पहले टीकाकरण पर आपने हर एक तस्वीर देखी, इसी तरीके से दूसरे टीकाकरण की भी आज हम बात कर रहे हैं जहां पर शुरुआत हो चुकी है, हर जगह तैयारी कर ली गई है। और यूपी की बात करते हैं तो जहां जहां टीकाकरण होना है वहां पर पूरी तैयारी के साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं और टीकाकरण की शुरुआत भी हो चुकी है। घाटमपुर सीएससी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। तीनों ब्लॉकों के तीनों तहसील में टीकाकरण चल रहा है और घाटमपुर सीएससी में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। पहला टीका सीएससी अधीक्षक कैलाश चंद्रा को लगाया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जो टीकाकरण किया जा रहा है उसमें किस तरीके से यहां पर तैयारियां की गई हैं। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक।